कोई दिन नहीं जाता है पार्टी करने में जहां कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ना आता हो जो बता रहा हो कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, बर्बाद हो गई। अभी फरकाबाद से लोग आए हैं, पहचान उनको, उनकी बेटी के साथ जो घटना हुई सोच नहीं सकते आप, जो हुआ उसके साथ कोई सुनने वाला नहीं है। और उसको बचाने वाले लोग कोई हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी जो घटना हुई कानपुर देहात में, कानपुर नगर में, या सुल्तानपुर में, या और जगह पर जो सूचना मिल रही है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे से मदद कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ जनता ने अभी सहयोग और समर्थन दिया जो बाई इलेक्शन में दिखाई दिया। हमें उम्मीद है कि इसी तरह समाजवादी लोग काम करेंगे और जनता का समर्थन लेकर के आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की बनेगी। मैं एक बार फिर के गौतम जी और उनके सहयोगी साथियों को और महेंद्र चौहान जी के साथ जो बहुत बड़ी संख्या में चौहान समाज के लोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, एटा के बहुत सारे जिम्मेदार लोग जो अलग अलग पार्टी से शामिल हो रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। जिन साथियों का नाम भूल गए, नाम नहीं ले पा रहे, उन साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आप तो समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए स्वागत करता हूं। सच तो आप लोग भी जानते हो, सच आप लोग जानते हो कि किसको बचाया जा रहा है। हमसे ये सवाल तो पूछते हो कि हमने एक्सटेंशन दिया किसी को, लेकिन कभी सरकार ने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि कब कब पैसा बैंक में जमा किया और किसके हस्ताक्षर से पैसा जमा किया गया है। जो लोग समाजवादी पार्टी पर सवाल पूछते हैं, कम से कम जवाब दें कि किस बैंक को खुश करने के लिए आपने पैसा दिया है उन बैंकों को। और फिर अभी तो बड़े लोग इसमें फंसेंगे जो बड़े कुर्सी पर बैठे लोग हैं, सरकार किसको बचा रही है? और उस पर पर्दा डालने के लिए जाने कौन से अधिकारियों को कहा कि आप रिटायरमेंट हो गए हैं, रिटायर हो गए आप, किस पे पर्दा डाल रहे हैं आप? जनता जानना चाहती है, कर्मचारी जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, ये बड़ा भ्रष्टाचार कैसे हो गया। हम सरकार में तो नहीं है, हम तो फैसला जो भी होगा उसका स्वागत करेंगे और मानेंगे उसका। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको मानेंगे। और कई बार कहा है आपसे, जिन्हें पहले से जानकारी हो जाती थी या जो पहले से कुछ कहना लगते थे उनसे पूछिए सब बातें। क्या मेरे कहने से व्यवस्था ठीक कर लेंगे? हमने तो कहा कि जिम्मेदार कोई है भ्रष्टाचार के लिए जो इतना बड़ा हुआ है बिजली विभाग में। और सोचिए कभी आप भी तो इसी प्रदेश में रहोगे और रहना है आपको। एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई जिस सरकार ने, कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछाई। जितनी बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया वो समाजवादी सरकार ने किया। और बताइए क्या कर दिया आपने, जनता को बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए, किस बात के लिए आपको पैसा चाहिए? तो क्या हमारा कहना मान जाएगी सरकार? हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, क्या हमारे कहने से इस्तीफा दे देंगे? ये तो आप भी जानते हो। अच्छा, हमारे जाने से होगा,
ये तो देखिए लोकतंत्र में कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा लगता है कि प्रेस के लोग इतने मजबूर दिखाई दे रहे हैं, कितने अच्छा लग रहा है मुझे। ये मैं आपको बता रहा हूं, जब मेरी तस्वीर दिखती थी टीवी पर किसी कानून व्यवस्था के सवाल पर, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे रोक पाऊंगा। हम तस्वीर नहीं रोक पाए, हर घटना में तस्वीर दिखाई देती थी अखबार। महाशय धर्मपाल गुलाटी, शुद्धता गुणवत्ता के पारखी।